जहां एक तरफ भारत में बढ़ोतरी हो रहे उत्पादन और निर्यात को लेकर दुनिया के कुछ देश भारत की सहायता कर रहे हैं, वहीं कुछ देश भारतीय निर्यात को खतरा मानने लगे हैं और अब धीरे धीरे भारतीय प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इन देशों की सूची में इस बार यूनाइटेड स्टेट का नाम सुनने में आया है, जो अपने मैन्युफैक्चरर की सहायता करने के लिए जल्द ही भारतीय सामान पर रोक लगा सकता है। इस बार भारत से निर्यात होने वाले पेपर बैग को लेकर कठिनाई सामने आ रही है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट ने भारत, कंबोडिया, चाइना, मलेशिया के अलावा 9 देशों के विरुद्ध एक छानबीन शुरू कर दी है। इस छानबीन को शुरू करने की वजह एक शिकायत को माना जा रहा है, जो अमेरिकन कंपनी नोवोलेक्स होल्डिंग्स LLC की ओर से की गई है। यूनाइटेड स्टेट में पेपर बैग बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से ये एक कंपनी है और इस मैन्युफैक्चरर के अनुसार भारत के साथ एशिया कुछ देशों के कारण अमेरिकन पेपर बैग उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है और अधिकतर शॉपिंग मॉल दुकानों में निर्यात पेपर बैग का प्रयोग होने लगा है। भारत का नाम 5 सबसे बड़े पैकेजिंग मटेरियल निर्यात सप्लायर के रूप में आता है और अकेले भारत के इंडस्ट्री की वैल्यू $32 मिलियन के आसपास है और इस इंडस्ट्री में अभी भी 15% की दर से हर साल बढ़ोतरी हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट में पिछले कुछ दिनों में पेपर बैग के आयात में 74% की बढ़ोतरी हुई है। कमाल की बात ये है कि चाइना द्वारा पेपर स्क्रैप के इंपोर्ट पर रोक लगाने से स्क्रैप पेपर की डंपिंग भारत में शुरू हो गई और पिछले कुछ दिनों में इसके कारण पेपर रिसाइकलिंग में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट में इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को लेकर लोग काफी सावधान हुए हैं और इसी कारण पेपर पैकेजिंग के प्रयोग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका की पैकेजिंग इंडस्ट्री भारत की तुलना में बहुत छोटी है और सिर्फ 3 से 4 मैन्युफैक्चरर ही पैकिंग मटेरियल की मांग को स्थानीय रूप से पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर भारत के साथ एशियन देशों में बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और कम लागत के कारण विकासशील देशों से बड़ी मांग होती है और अमेरिका जैसे देश अपनी खुद की मांग पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि अगर किसी प्रकार की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, फिर भी भारत से निर्यात जारी रहेगा। कुछ दिनों पहले यूके ने भी भारत से इंपोर्टेड स्टील पाइप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया क्योंकि यूके में स्टील पाइप की मांग पूरी करने योग्य मैन्युफैक्चरर मौजूद नहीं थे और ऐसा ही कुछ अब अमेरिका के साथ होने वाला है। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।